संसार सागर है, अगर माता पिता एक नाव है, अरे जिसने करी सेवा उनकी, उनका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार है। और माता पिता परमात्मा सजना मिलते ना दूजी बार है। एक जन्म या तो भगवान मिलेला या माँ बाप मिलेला, दो ही चीजें एक साथ नहीं मिलेला। अगर माँ बाप मिल गया तो भगवान की आस भी नहीं करनी, क्योंकि सचाओ सबो ज्यादा मुंडे बोल बड़ा भगवान तो वह अपने सामने है। तो सजनों, एक माँ के चरणों में, एक पिता के चरणों में ये भजन की प्रस्तुति दे रहा हूं। हर इंसान के केवल एक माँ नोया करे, हर इंसान के चार माया है। अब यह मत समझोगे माना तो ये कोई ध्यान है, तीन घटी है, तीन रिश्ता घटी चल रहा है। पहली माँ जो नोमिना पेट में आकर जन्म दियो बा जन्म जननी माँ, एक बार ताली बजाओ भी माँ के लिए जोरदार। दूसरी माँ, माँ की कोख से बारे आता ही जन्म लेर मरबा तक जो माँ आपनों बोझ झेली, आ धरती माता भी अपनी माँ, एक जोरदार ताली धरती माता के लिए। तीसरी माँ, जो माँ आपा ने जन्म दिया करे वह छह महीना नौ महीना ही दूध पावे, एक बात मना कर दिया करे भी के बाद में अगर कोई दूध पार बड़ो करे तो भी माँ को नाम है गौ माता, एक जोरदार ताली गौ माता के लिए। और सजना, चौथी माँ वह है जटे जारे इंसान की मोक्ष हो जाया करे, तरण तारणी माँ गंगा मैया, एक बार जोरदार ताली गंगा मैया के लिए। लाख कोशिश कर लो लेकिन फिर भी माँ बाप का जो एहसान है उसको नहीं चुका सकता इंसान। क्यों? नौ मास गर्भ में रखती है अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। घर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का बुढ़ापे में दुख पाती है। जो माँ नोमिना पेट में आकर जन्म दियो, खुद गीला में सोई और सूखा में आपा ने सुवाणी, एक दिन भी माँ ना आपा बोला कि माँ निकल जाओ, अब आप हमारे सागे नहीं रह सको, बोलो कितना बड़ा पाप है। लेकिन आपा कुछ भी कोशिश कर ले माँ बाप को कर्जो नहीं चुका सका। एक आदमी हो जो कोशिश करो, सुन जो ये बात ने बड़ा प्रेम है, भी को नाम हो साहब टोडरमल। एक दिन टोडरमल बोलियो, माँ रात दिन एक ही बात के होगा, तू मारी ममता को काई कर्जो चुका सी, काई कर्जो चुका सी, आज पूरा ही हिसाब चुका रही हूं। मांग थन कितना कपड़ा छावे, कितो गेणू छावे, कितना धन माल, तेन कितना मेल माल क्या छावे, सब मांग ले क्यों आज चुका दियो। माँ बोली, बेटा ये चीजें थनी मुबारक, अगर तू मारी ममता को कर्जो चुका सके तो एक काम कर बता दे। बोले बोल माँ। तो बोले, बेटा एक रात के लिए मारी 700 बता दे, मैं मान जाऊंगा तुम्हारो कर्जो चुका सके। माँ की उम्र 80 वर्ष और टोडरमल की उम्र 50 साल की, वचन दे दिया। बोले माँ मंजूर है, एक रात के लिए थारी 700 जासू। माँ बेटा में कोई बुरी बात है नहीं। सर्दी की राता माँ और बेटा दो ही एक चारपाई पे सूता। सजना जो ही टोटरमल की आंख लाग बो शुरू हुई, माँ बोली, बेटा प्यास लगी है थोड़ो पानी पिला दे। भागर गयो एक गिलास पानी को ले रायो, दो घूंट पानी पिया, पूरो पानी बी साइड में ढोल दियो जेटे टोटरमल सूत। गुदड़ा गीला वे गया, अब क्या न सुनिया वो, लेकिन सोनू पड़े वचन दे दिया, फिर सोई गई। फिर जो ही आंख लाग बो शुरू हुई, माँ बोली, बेटा प्यास लगी है थोड़ो पानी पिला। उठ्यो तो सही लेकिन थोड़ो टाइट ही उठ्यो। भागर गयो एक गिलास पानी लायो, दो घूंट पिया, पूरो पानी बी साइड में ढोल दियो जेटे टोडरमल सूतो। गुदड़ा गच वे गया, लेकिन सोनू पड़े साहब वचन दे दिया। तीसरी बार भी की छाओ जानकर आंख लागी, और आंख लागता ही बोली, बेटा सो गयो? बोलो नहीं मां, सूतो नहीं हूं, कोशिश कर रही हूं। तो बेटा प्यास लगी है, थोड़ो पानी पिला दे। अब की बार तो साहब उठ्यो जी, मैंने करंट दौड़ रही हूं पूरा शरीर, पानी ले रहे हो और पानी हाथ में दे दो तो को। बोलियो, माँ खबरदार जो पानी मारी साइड में ढोल दियो। बोला पानी तो सुपा,
पानी पिया, दो घूट पिया और पूरो पानी भी साइड में ढोल दियो। टोडरमल झल्ला गयो, बोले माँ थे पागल भी गया, सर्दी की रात है, मैं बीमार हो जासी हूँ, गीला गुदरा में मैं क्या सो। बोले मैं नहीं सो। इतनी सुनता ही माँ बोली वाह बेटा वाह, चुग्यो कर जो। अरे बेटी रा बाप, तू एक रात के लिए गीला गुदड़ा में नहीं सो सक्यो, मैं दो साल थरा गीला गुदड़ा में सोयू। ताली बजाओ उस माँ के। मैं दो साल थरा गीला गुदड़ा में सोई हूं और तू तो खाली पानी का ही गीला में सो रहे। मैं तो जाने कहीं कहीं का गीला में सोयू, तू कदे पीड़ो करतो और कदे गीलो करतो, लेकिन सबने मैं निभाई हमारा लाल दो साल तक और तू एक रात में दूर बह गयो। तो मेरे सजनों, कुछ भी कर ले, लेकिन उस ममता की मूर्ति माँ का कर्जा हम नहीं चुका सकते। किसी कवि ने कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन माँज कर भी पाड़ लेती है चार बेटों को, मगर इस कलयुग में चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज तो जमानो गुरु महाराज यान को आएगी हो कि माँ बापा की पातियां कर ली लोग, एक माँ के दो बेटा हुए यार, दोनों पाती कर लिया साहब माँ की। बोले माँ एक तारीख को 30 तारीख तक छोट के रोटी दे, और दूसरी एक तारीख से 30 तारीख तक तेने बडोड़ रोटी दे। 30 तारीख होता ही छोट के की बिंदनी बोली माता राम सर को बड़ा के घरे चले जाओ, आपनों तो मीनू पूरो भी। बिचारी बड़ा के घरे गई तो सजना बड़ा के घरे जी दिन गई, बी दिन एक तारीख नहीं ही, बी दिन 31 तारीख थी। भी माँ की किस्मत खराब के मीनू 31 तारीख को आ गया। अब बड़ा के घरे जाता है बींदनी शेर होगी, आज ही क्यों आए गया, आज एक तारीख नहीं है, माँ के 31 को सिस्टम नहीं है, माँ को तो कल आ जाए। मेरे सजनों, दो बेटा और दो बींदने के होता थका, वह माँ एक रात के लिए भूखी सो, एक रात के लिए रोटी नहीं दे सके वो दो आदमी, उसको पूरी रात रोती रही वो माँ। बोला हे बेटा घना दुख झेले, लेकिन एक रात के लिए दो रोटी नहीं दे सके, ओ कलजुग है संसार। जबकि माँ जब आदमी दिन में काम करवा जावे और शाम का जब घरे वापस आवे तो चार आदमी भी को इंतजार करे घर में, एक तो भी को छोटो बेटो आता बेली भाग राशि पापा मारे बे कहीं चीज लाया। दूसरा नंबर में पिताजी पोल में, बोले बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी लाओ कितना कमार ले रहा, बिन पैसा मतलब है खाली। तभी तो कहा है कि माँ बेटे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। इतो फर्क है बींदनी मरमा में। माँ की नजर जासी तो पेट पर जासी, और बींदनी की नजर जावो तो सीधी जेब पर जाओ। लेकिन सजनों हुई घर के मायने चौथा नंबर पे वह माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं, चीज कहीं लायो, धंधो क्या करियो, पैसा कितना कमाया ना। भी माँ ने एक ही बात की खुशी है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो, हे परमात्मा थारो लाख लाख शुक्र कि मारो बेटो शाम का भी हंसतो मुड़क तो घरे वापस आ गए। इतनी बड़ी सोच भी माँ की, ताली बजाओ जोर। और आता पहली बोल सी, बोले बेटा आ गयो, बोले हाँ माँ आ गयो, आजा बेटा मैं ही थारा इंतजार में भूखी बैठी हूं, आप दो ही माँ बेटा रोटी खा ले। घर में अगर सबसे आखिर में कोई रोटी खाया करे तो वह बूढ़ी माँ ही खाया करे। सब्जी बची कि नहीं बची, रोटी बची कि नहीं बची, लेकिन जो बचे भी ने खार पेट भर लिया करे। लेकिन सुबह उठ शायद कोई ने शिकायत नहीं करे कि मैं रात में आधी भूखी सोई, इतनी महान होती। इसलिए कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। एक कवि ने कहा है कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की वो ना यहां का रहा ना वो वहां का रहा, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। यान की ममता की मूर्तियां, और जाने बूढ़ी होता ही लोग कह दिया करे बुढ़िया चली जा। एक माँ की कहानी दर्दनाक कहानी सुना रहे हो, आपने चार पंक्ति को भजन है सजना,
थोड़ा एक भाव से सुन लीजिए आप। एक लड़को यानको जी का पिताजी बचपन में खत्म हो गया, वह माँ पेट के पाटिया बांध बांध दूसरा का झूठा बर्तन साफ कर मजूरियां कर कर बिने पाल पोसर बड़ो करी नौकरी लगाई बिने और बहुत राजी हुई कि आज मारो बेटो नौकरी लाग गयो। लेकिन कुछ दिन के बाद बेटा की बहू बोली का थरी डोकरी कर मारे बने नहीं इन परी निकाल, थरी मां कर मारे बने नहीं कि इसको निकाल दो यहां से किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो धर्मशाला में छोड़ दो लेकिन मारे सागे नहीं रह। लड़को भी वही चाल चाली, मां ने बोलियो मां अब थारे मारी बींदनी के बने नहीं तू चली जा खटे भी चली जा। मां बोली बेटा आंख मासू भर गया मां के, हे बेटा इतनी बोलवा पहली सोच तो सही थारी मां लागू और तू मने ही बोल रहे कि तू चली जा। कपड़ा की गांठ बांध दी सजना और बारे खड़ी कर दी दरवाजा के दो ही हाथ लगा बोले बुढ़िया चली। जद भी मां की आंख में आंसू आई ढड़क ढड़क रोने लागी, है बेटा इतनी तो मत कर थारी मां लागू। जद वह मां अपना बेटा ने समझा रही, देखो किन शब्द में समझाइए मां। अरे अलका मेरा की बेटा रे पलका मेरा की बेटा हिबड़ा मेरा की बेटा गोदिया मेरा की बेटा कांधा पे राखी बेटा मोरा पे राखी बेटा पलका मेरा की रे ओ हारे बेटा न्यारो मत होवे होरा हर भर बेटा मत ना निकाले होरा अलका मेरा की बेटा रे पलका मेरा की बेटा बेटा जब तू छोटो सो को व्याह करतो मैं थारा लाड लड़ाती थारा गीला धोती बेटा थने दूध पाती तो कोई सी लड़ भी आ जातो तो ही मारा छाती हूं चिपका लिया करती थारे झूला झुलाती और थारे गटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया करती, हे मारा लाल मत निकाल। दोनी हाथ जोड़ लिया अपने बेटा का आगे रोने लगी, हे बेटा एक बात बता मैं जाऊं तो कटे जाऊं कुंडे जार क्यों के मने राख लो आप, हे मारा बेटा एक बार माफ कर दे एक बार बोल दे के मां तू पाछी आ जा तुम्हारी ममता भर जा लेकिन हे बेटा मत निकाल। खूब रोई साहब बेटा के कोई फर्क नहीं पड़े। सजना आपने एक बचपन को दिन याद करो, आप सभी भक्तों से कहूंगा बालकपन में एक दिन आपा ने बुखार आई
तो वह माँ पूरी रात अपने सिराने बेटी बेटी आंखें नींद निकाल दी, ताकि आज मारो बेटो बीमार है। और बुढ़ापा में एक दिन भी माँ ने बुखार आई, चोबारा में खाट बिछोड़ी और भी खाट पर रात भर वह तड़पती रही माँ। सामने बेटा बहू को कमरो, रात भर भी माँ की आंखें कमरा की तरफ लागी रही। एक बार बेटो कमरो खोल रो पूछ लेके, माँ तने पानी चाहो एक, तने दवाई चाहो, तो मारी ममता भर जा। लेकिन पूरी रात में एक बार बीबी को कमरो नहीं खुल। एक लड़को हो मुसलमान का, सुनना माँ क्या चीज होती है, आंखें खुल जाएगी। तो साहब वो 3 साल को लड़को भी की माँ खत्म होगी। अब वो छोटो टाबर समझ नहीं पायो कि अपनी माँ मर गई या जिंदी है। कब्र में दफना दिया। एक दिन अपना पिताजी ने बोले, पिताजी मारी माँ कटे है। तो पिताजी बोले, बेटा थारी माँ उठे जंगल में कब्र में सूती है, बिना जगाजे मत कि वह नींद ले रही है। अब भी टाबर के लिए तो भाई माँ सूती वेला। स्कूल गयो, स्कूल आतो तो सीधो भी कब्र पे जाया करतो, बी पे ही बैठ वो काम किया करतो। और दिन भर अपनी माँ ने कहते, माँ ए माँ थारी नींद पूरी होगी तो जाग माँ, मैं थारो मिलने आयो हूं। लेकिन माँ नहीं जागया कर। एक दिन बीतो, 2 दिन बीतिया, 5 दिन बीतिया, 7 दिन बीतिया, रोजिना वो लड़को आया करतो। 7वें दिन भी कब्र पे आ और अपनी माँ ने बोली, माँ देख जो भी आदमी मिले बिन यू ही कहो मने कि तू कितो गंदो है, थारी माँ कितनी गंदी होली जो तने निलाओ भी नहीं, धुलाओ भी नहीं। हे माँ थारी नींद जागी हो, थारी नींद पूरी हो गयो तो माँ एक बार उठ और मने निला गया। सजनों माँ हो तो निलाए, घर में कौन निलाएगा, माँ के अलावा कोई बेटे को निलाने वाला नहीं। बहुत देर तक रोता रहा वो लड़का, हे माँ थारी नींद पूरी हो गयो तो एक बार उठ माँ मने निला दे, सब लोग तने गाली देवे माँ, थारी माँ कितनी गंदी है। लेकिन माँ नहीं बोली। जब लड़को घरे गयो और घरे जार अपने पिताजी ने कहने लगे, पिताजी माँ नहीं बोलती है, मैंने खूब जगाया लेकिन माँ माँ नहीं बोलती है। पिताजी जब पिताजी सीना उलगार बोले, बेटा अब तेरी माँ नहीं बोले। सजनों उस माँ पर, उस बेटे पर क्या बीती होगी, जिसकी माँ संसार से चली जाती है उस बेटे का दर्द वो बेटा ही समझ सकता है। तो कहा है कभी नहीं। बोले, बेटा इतना दुख थारे वास्ते भोगया, अब लड़को काहे करियो। देखो आप हाथ पकड़ियो लड़को और भी माँ के धक्को दे आगे गिरा दियो। जद वह माँ तड़पने लागी, रोने लागी, सावन भादो उतरे आंखिया और बोली, हे बेटा मैं जानगी भी तू मन क्यों निकाल रहे हो। तो कहने लागी माँ, अरे आयो बूढ़ा को बेटा रे खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को न्या लागू बेटा, बुरी थन लागू रे ओ, अरे बेटा मत ना रुलावे ओरा, अरे भरा बेटा मत ना निकाले हो। उन माता बहनों से और उन भाई बंधुओं से जो आज भी माँ बाप के साथ रहते, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, जो आज भी उनको धोखा नहीं दे रहे, ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसीलिए ये धर्म की धरती है, खुडियाड़ा का नाम इसीलिए दुनिया में पूछता है कि आज भी अटे मोगली बींदने बैठी है। आज भी अगर सासू ससुर की साथ रह रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सीधी सी बात, अगर सासरा में सासू सुखी है तो पीर में था कि मां सुखी है, अगर सासरा में सासू दुखी है तो पीर में था कि मां कदे सुख नहीं पा सके। सासरा में अगर ससुरा जी सुखी है तो पीर में था का पिताजी सुखी रेला, अगर सासरा में पिताजी दुखी है तो फिर पिताजी आपके पीर में भी दुखी पासी। लेकिन आजकल बीतने यान की भी है साहब, मारे तो बाबिया का आई आई करेक्शा आई है, मारा माँ बाप ने अच्छा ही मेरा तू कितनी ग्राख रही है, तू तो बरसों न्यारी और बेटी है और बाबिया ने दोष दे रही है। आजकल यान की भी है। लेकिन वह माँ बोली, बेटा
खाली बूढ़ी हुई हूं, थारा सारा ही काम कर लेस हूं, दूर चलेगी। लेकिन भाग रे बेटा का पग पकड़ लिया पाछा। देखो एक माँ बेटा का पग पकड़ रही है सजनों, कलयुग तू इश्यू ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अपना बेटा का पग पकड़िए और झुर झुर रोती कहने लगी, हे बेटा एक बार बोल दे, सिर्फ एक बार के माँ तू पाछी आ जा, तू मारो हियो भर जाओ बेटा। देख अगर तू सात राख ले तो थरा कितना, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, थारा किता में काम कर लियो। तो वह माँ 75 साल की उम्र जी का गोडा में चालवा को दम नहीं, आज अपनी ममता के लिए रो रही है और कह रही है, बेटा अरे गाया चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, काम कर लूं ली रे। अरे बेटा मत ना निकाले ओरा, अरे भर बेटा न्यारो मत होवे होरा, जोड़ बोली, हे बेटा थारी गाया ही चरा लियो, थारा बाछड़िया ही चरा लियो, अरे मैं आधी खा लियो, नीचे ही सो लियो, देख थारी बिंदनी का के काम भी पूरो ही कर लियो मारा लाल, लेकिन मत निकल। इके बाद काई हुयो, इके बाद वो लड़को हाथ पकड़ियो और भी माने बोले को, ओ गेलो सीधो गांव के बारे ही जाओ बुढ़िया, अब आस ई बेटा की मत। सजनो यान का भी जमाना में बेटा है, बेटो क्या को बेणो छो, मैं बता रहा हूं आप। एक पणगट पर तीन पणियारियां पानी भर रही, तीन पणियारियां पानी भर रही और तीनों ही अपना बेटा की बड़ाई कर रही। इतनी देर में एक काली कार आई, काली कार आई तो साहब दूल्हा उड़ाती वटेर निकल गिर। वह मां बोली के देखो ये कार में जा रही हो जो मारो बेटो है और ये गांव को सबसे लखपति बेटो मारो ही है। माँ तो बड़ाई कर रही है, बेटो हाथ भी नहीं हिलायो के माँ मैं जा रही हूं और निकल गई। दूसरी माँ बोली इतनी देर में एक धोली कार आई, धोली कार आई वह भी धूल उड़ाती निकल गिर। दूसरी माँ बोली गई कार में जा रही हो ने जो मारो बेटो है और ये गांव को सबसे विद्वान मारो ही बेटो है। माँ तो बड़ाई कर रही है, बेटो हाथ भी नहीं हिलाया। तीसरी माँ नहीं बोली, तीसरी माँ मटकी उठाई और माथा पे मेल और नेज ने हाथ में लेर जुई, पाछी मुड़ी तो भी को बेटो सामने खड़ो हो। बेटो बोले माँ अब थे बूढ़ा वे गया, अब पानी लेने मत आया करो। अपनी माता के, अपनी माँ के माथाओं मटकी खुद का माथा पर मेली, एक हाथ में नेज पकड़े और एक हाथ में माँ को हाथ पकड़ो। बोले माँ अब मत आया करो, आप बूढ़ा वे। सजनो काली कार वालों होनो चाहे कि धोली कार वालों या तीसरा नंबर को होनो चाहे, बेटा तो वो होता है जो अपने माँ बाप के दर्द को समझता है। भी आदमी ने पूछो, आप भी आदमी ने पूछो जी के माँ नहीं है, जब भी घर में कोई गीगलो जन्म ले कोई मंगला चार वे भी नहीं याद आया करे, आज मारी माँ होती, आज मारी माँ होती तो यान राजी होती, यान पता सा बांटती, लेकिन हे भगवान आज मारे माँ नहीं है। भी इंसान ने पूछो जी के पिता नहीं है, जद भी यान को कोई मोटो काम करे कोई दान धर्म को काम करे बिन याद आया करे, आज मारे बाप जी बेटा तुम्हारा कांधा पर हाथ में इधर बोलता वाह बेटा नाम कर दियो, लेकिन आज मारे माँ बाप नहीं है। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, और जाके माँ बाप जिंदा है वन कोई मतलब नहीं है। सजनों एक ही बात कहूंगा आपसे कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं भगवान श्री चार भुजानाथ उसी घर में बसते हैं, बाकी दूसरी जगह नहीं। जटे माँ बाप हंसता रेवे मुड़कता रेवे बाकी आत्मा सोरी रेवे, उठे ही भगवान है, बाकी आप मत समझोगे कटे कोई भगवान है। वह माँ माँ रोती हुई रवाना वे पाची मुड़मुड़ ढाड़ती है, बेटा एक बार ही बोल दे तो, सिर्फ एक बार ही बोल दे तो कि माँ तू आ जा तो मारी ममता ही भर जाती, लेकिन एक बार भी नहीं बोली और बारे निकाल दी, गांव का पड़सा में चलेगी।
गांव का पड़सा में गई तो मैं बाप जी जान का आवता दिखाया। बाप जी ने देखकर तुरंत आख्या का आंसू पोंछ लिया, कहा कि बार बाप जी पूछी ते खटे जा रहे हो। तो बाप जी आता था कहीं बोले, माता राम इतनी शाम पड़िया खटे जा रहे हो आप? तो माँ या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दे, एक बार ताली बजाओ भी माँ के लिए। या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, यो तुम्हारी घर की इज्जत को सवाल है। माँ बोली के बाप जी आज मारो बेटो बोलियो कि माँ तू दो चार दिन तीर्थ न जाया और ई के बाद वापस आ जाए। सजना इतनी बेइज्जती झेल भी कोई घर की इज्जत ने राख सके भी आत्मा को नाम माँ है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। बाप जी तो रवाना वे गए लेकिन पाछी मुड़ी आंसू टपक गया और पल्लू आंसू पूछती भी बोली, हे बेटा तू समझ ही नहीं पायो माँ चीज काई है, तो कहने लगी वा माँ, अरे माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे ओ, अरे बेटा मालूनी समझावे ओरा, अरे भरा बेटा मत ना रुलावे ओरा। मारो निवेदन है सब सुन जाओ ना आत्माओं, आत्माओं सुन जाओ। अब एक बात कहता हूं आपको, एक लड़को यान को हो देखो माँ बाप कसी हद तक जा सके बेटा बेटी के लिए। एक लड़को यान को जी की माँ आंधी, अब स्कूल आतो को गांव गोट आतो तो जो भी मिलतो भी नहीं आई, कहते आंधली को बेटो आ गयो, आंधली को बेटो आ गयो। एक दिन वो लड़को सोचो आंधी माँ ने परी छोड़ दियो, जो मिले जो आंधली को ही बेटो के हुए। तो माँ ने जार बोलियो, माँ आज तू थारे में मारे, अब मैं थारे साथ नहीं रहूं। तो माँ बोली, बेटा मारी बात तो सुन जा, लेकिन सुनबो पहली लड़को भाग गयो। तो वह आंधी माँ भी लकड़ी टेकती टेकती भी के लारे लारे भाग रही है, हे बेटा एक बार मारी बात तो सुन ले, लेकिन नहीं सुनियो। चालती गई रोड पर चली गई और एक साधनु टकरार वह धरती पर गिर पड़ी और भी का प्राण पंखेरु उड़ गया। जब आगे जाता है लोग बोले, अरे बावड़ा तू भाग रहे और थारी माँ उठे मर पड़ी। तो लड़को पाछो भाग रहा है, खूना लतपत काया पड़ी, प्राण पंखेरो उड़ गया, छाती चिपड़ तो वो बोलियो, माँ ए माँ अब मैं कुण ने माँ कैसे, माँ तू मने छोड़ भी चली गई। रोता रोता की नजर भी के हाथ में जा पड़ी माँ का हाथ में, भी मैं एक कागज लिखेड़ो, भी कागज में काई लिखेड़ो के हे बेटा आंधी मैं नहीं, आंधो तो तू जन्म लियो। बेटा आंधी मैं नहीं, आंधो तो तू जन्म लियो और मारो बेटो ही संसार ने देख सके, इन वास्ते मारी आंखें निकाल और मैं थारी आंखें में सजाई बेटा, ताकि मारो बेटो दुनिया देख सके। इससे ज्यादा और माँ से क्या अपेक्षा कर सकते हो आप? इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि आज के बाद जो अपने माँ बाप को धोखा नहीं देगा, जो माँ बाप से अलग नहीं होगा, वो हाथ खड़े करे ईमानदारी से। और एक बार ताली बजाए अपने भाग्य के लिए, क्या बात है। देखो सजना आज माता बिना इतनी हाथ खड़ा करी है, गांव की सूदी दशा आएगी, लेकिन काल या नोजिया के आज अटे तो भजना में लवो लूटर चले जाओ और काल जाते हैं सासू जी बछेड़ा खाओ। तो ये पड़ोस ने कह दी कि रात ने तो तू लावा लूट रही, हाथ ऊंचा कर रही, बार कर रही कहीं है, ओ सवाल मत कर जो। इतना हजार आदमी हाथ खड़ा कर, अगर एक आदमी भी मरी बात पर कायम रह गयो, सिर्फ एक आदमी भी, एक माता बहन या एक भगत भी कायम रह गयो, तो खुड़ियाला की धरती पर आबो और गाबो और भगवान के हाजरे लगाबो, सफल है, नहीं तो जिंदगी यूं ही चलती रहे। आज से 6 महीना पहली वो भजन गायो में, और आपने सच बता रही हूं 1.5 करोड़ लोगों ने इस भजन को सुना है और इतना जोरदार फोन आया साहब, आप मानोला नहीं, फुलेरा का एक पंडित जी है, पंडित जी की उम्र 50 साल की है, विद्वान है पंडित है, लेकिन गलती वेगीर माने घर से निकाल दिया।
रात की 11 बजे वे भजन ने सुनबो शुरू करे यूट्यूब पर। 2 घंटा तक रोता रिया। जब बींदनी बोली क्यों रो रहा हो के सुन भजन सुन तू, तो भजन ने सुनी तो भी की आंख में भी आंसू आएगी। सुबह 6 बजे उठ्या और छोटा भाई के गरम जार माने झोले में ले रहा है। माँ अब कुछ भी हो जाए, चाहे या बींदनी रहे हो चाहे नहीं रहे हो, लेकिन मैं थारे लिए हमेशा हाजिर रहते। और 8 बजे फोन करया, 8 बजे फोन करया, माठ साहब बहुत बड़ी गलती वेगी, लेकिन आज आंखें खुलगी, आज मैं मारी माँ के बेड़ा वे गया, आज मारी माँ ने ले रहा है, माँ को जन्म सफल रहे। सजनों आप क्यों भूल जाते हो कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। एक मैडम क्लास में पढ़ा रही, बच्चा ने ये बात ने बड़ा प्रेम से सुन जो, क्लास में मैडम पढ़ा रही तो आखिरी में छुट्टी को टेम आयो, जब मैडम बोली के बेटा काल घराऊ आओ, जब स्वर्ग की मिट्टी ले आई जो, स्वर्ग की मिट्टी ले आई जो। अब छोटा बालक समझा ही नहीं कि स्वर्ग कटे रे मिट्टी कटे। घरे गया तो कोई दादी ने पूछ रहे हो, कोई मम्मी ने पूछ रहे हो, मम्मी आज मैडम यूं बोली कि स्वर्ग की मिट्टी ले आई जो, तो घर की माया दाया बोली अरे वा तो बावड़ी है ते तो पढ़वा में ध्यान दो। दूसरे दिन क्लास बेड़ी हुई और मैडम क्लास में आई, बोले अरे बताओ कौन कौन ले रहा है स्वर्ग की मिट्टी। सबकी गर्दन नीची, कोई नहीं लायो, लास्ट में कोना में गोपाल बैठे, हाथ में थैली, थैली में थोड़ी सी माटी घालेड़ी। अभी थैली ने हाथ में ले और वो खड़ो हुयो कि मैडम जी मैं लायो हूं स्वर्ग की मिट्टी। आओ देखियो न ताओ 2 थप्पड़ जड़ दिया वह मैडम। मैंने बावली समझ में लियो, स्वर्ग कटे है जो तू मिट्टी ले रही हो स्वर्ग की। तो सजना रोतो तको वो लड़को जो मैडम ने जवाब दियो, पूरी जिंदगी रोई वह मैडम। लड़को बोले मैडम जी मारी दादी बोली के बेटा थारी माँ का चरणा में स्वर्ग है और ई माँ का चरणा मु तू मिट्टी ले जा बेटा, मैं या मिट्टी मारी माँ के कदमा मु ले रहा हूं मैडम जी, आप मानो चाहे मत मानो। गड़ाऊ लगाई और 2 घंटा तक रोई वा मैडम। बोला बेटा औरत जात और मैं नहीं समझ पाई कि माँ के कदमा में स्वर्ग है, और यान का स्वर्ग ने आप ठोकर मार बारे निकाल दिया बुढ़िया चली जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज इस धरती पर बैठकर यही कहूंगा, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए, बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। अब हाँ भाई ऊपर बैठे जो बात राख लग नहीं राख लग, देखो एक बार ताली बजा रहे बताओ, यो भाव बने रहे जो हमारे मित्रा, क्योंकि आदमी से आदमी मिल जाए करे, कुआ से कुओ नहीं मिल जाए करे। कटे न कटे अपनी फिर मुलाकात वेली, और भजने की तो मुलाकात होती रिया करे, तो बी दिन में आपने जरूर पूछू को भी बात पर कायम है कि नहीं। क्यों आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, जग की दुनिया का घर छोड़कर, आंसू है खुशी की लड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, लाख
काफी गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। माँ बाप की सेवा करता करता अगर मान लो कोई दिन हथकड़ी भी लागी तो यहाँ की दुआ में तो दम है सजना, टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। और अब आखिर में दोनों हाथ सीधे करके एक ही निवेदन करूंगा, सबसे कैमरा घुमा दीजिए सर। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों ही इस बात को मत भूलना, ओ प्यारे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी पिता गुरुदेव।